पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में मुरादाबाद में जहां आतंकवाद का पुतला फूंका गया, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी पुतला फूंका गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संभलने की नसीहत भी दी गई। आतंकी घटना में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला होने से पूरे देश में एक उबाल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे देश के 42 जवानों को शहीद कर दिया गया था। जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है उसका जवाब सरकार को देना होगा। सैनिकों की शहादत को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जल्द ही कड़ा फैसला लिया जाए। कश्मीर के अंदर पुलवामा में जो हमारे वीर सैनिकों को, निहत्ते वीर सैनिकों को जो कि बस में जा रहे थे, उनको कायराना तरीके से 40 कायराना तरीके से 40 हमारे सैनिकों को जो बम से उड़ाया गया और पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत करी है, उसके विरोध में आज हमने हाफिज सईद का भी सुबह पुतला जलाया था और उसके साथ में ही आज यह मझोला क्षेत्र के और लाइनपा क्षेत्र के जितने भी रेहड़ी चालक हैं या ठेला लगाने वाले लोग हैं, रिक्शे वाले लोग हैं और जो यहाँ की जनता है, उसने मिलकर यह निर्णय लिया कि आज हम पाकिस्तान को बता देंगे, हिंदुस्तान की जनता को, पाकिस्तान की जनता को बता देंगे, पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरानों को जता देंगे कि हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी अगर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पाकिस्तान का नेस्त नाबूद हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान। इसी क्रम में हमने इस समय मझोली चौराहे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाया है। इमरान खान होश में आ जाओ, वैसे तो अब होश में आने के लिए तुम्हें बहुत देर हो गई, अब हिंदुस्तान की सेना तुम्हें मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान चुकेगा। तुमने शेर को ललकारा है, हिंदुस्तान को ललकारा है। अब तक शांति से हम सोच रहे थे कि शांति से बात निपट जाए, लेकिन अब हमारा शेर जाग उठा है और बहुत जल्दी दोबारा पाकिस्तान के नक्शे से पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा।